हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी सेवन्थ क्लास होगी हाइट एंड डिस्टेंस की, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की बात की है। यहाँ पर आपकी आरडी शर्मा बुक से ही क्वेश्चन है एग्जांपल का, और ये सिंगल क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आपके जो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, मीन्स जो हमारे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, ये एग्ज़ाम हो गए, और इवन देन हमारे स्कूल के एग्ज़ाम, उनमें इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आई होप आप बहुत अच्छे से देखेंगे। एक बार में हो सकता है आप समझ ना पाए, तो आप वीडियो को पॉज करके दो बार में भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, एंड डियर स्टूडेंट्स, जितने भी इससे प्रीवियस लेक्चर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, उनको भी आप प्रॉपर देखिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के लिए बेहतर हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका डाटा समझने की कोशिश करते हैं, देन डायग्राम बनाएंगे और फिर हम इसके एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आपके सामने जो क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड मीन्स बादल फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर्स अबोव अ लेक मीन्स झील इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट डज द मीन ऑफ रिफ्लेक्शन। आप समझते हैं कि किसी भी चीज की इमेज, मीन्स एक तरह से हम ये कह दें कि आपने 10th क्लास में अभी जो आपका चैप्टर होता है साइंस का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वहां पर भी सीखा होगा व्हाट इज द मीन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इन द लैक इज बीटा प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज एच टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ओके, तो देखो, इसके पहले हम मीन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि एक झील होती है और उस झील से एच मीटर की हाइट पर एक ऑब्जर्वर होता है जो कि क्लाउड को ऑब्जर्व करता है। क्लाउड यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगी और ऑब्जर्वर लैक से एच मीटर की हाइट पे होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब वो क्लाउड को ऑब्जर्व करता है, देन उसकी आंख से बनने वाला जो एंगल होता है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हियर इज गिवन अल्फा। बट जब इसी क्लाउड को आप मींस ऑब्जर्वर लैक में देखता है, मींस लैक के अंदर, झील के अंदर देखता है, तो झील के अंदर भी वही क्लाउड नजर आता है और उस समय पर उसका एंगल दूसरा होता है, वो बीटा होता है। और क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, मींस एक बार हम ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर उसी क्लाउड को हम झील के अंदर देखेंगे, है ना। तो जब नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। आप देखिए, सपोज मैंने ये एक लैक ली हुई है, और यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे ये आपके पास में एच मीटर हाइट पे एक पॉइंट है, जिसको हम ऑब्जर्विंग पॉइंट कह सकते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं सपोज कर सकता हूँ ये आपके पास में क्लाउड है, बादल। ओके, ये आपके पास में क्लाउड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये आप ये समझिएगा कि जब ये पर्सन इस क्लाउड को ऐसे ऑब्जर्व करता है, तो इसकी आंख से बनने वाला एंगल अल्फा होता है। बट जब इसी क्लाउड को आप लैग के अंदर, मींस ये ऑब्जर्वर लैग के अंदर देखने की कोशिश करता है, तो यही क्लाउड इसको यहां भी नजर आएगा। ओके, अब आप समझिएगा कि ये हाइट कितनी थी, एच मीटर, जो ऑलरेडी दी गई है। अब यहां भी देखिए कि यदि मैं एक वर्टिकल लाइन ऐसे स्पेस में बनाने की कोशिश करूं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेस में मैं ऐसे बना दूं, तो यहां से अल्फा एंगल होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, लेकिन जब ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो एंगल क्या होता है डियर फ्रेंड्स? बीटा। एंगल क्या होगा? बीटा। यहां से ये आपके पास में इस जगह पर क्लाउड है। ओके, तो ये वाला एंगल जब बीटा हो गया, तो आप ध्यान दीजिए कि ये वाली लाइन जो है, एक बार सही से बना लेता हूं मैं ऐसे, और क्लाउड को मैं थोड़ा यहां पे कर लेता हूं ऐसे, इस तरह से। ओके डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा,
कि ये वाली जो हाइट है यहाँ पर अगर हम नेम देने की कोशिश करें, सपोज मैंने इसको ए लिया, इसको बी लिया, इसको सी लिया, इसको डी लिया, इसको ई लिया, और यहाँ पर हम एक पॉइंट एफ ले लें, ठीक है। तो आप देखें कि जो ए सी है इसके पैरेलल आपका बी डी है, अगर ये आपके पास एच है तो सिंपली ये भी आपके पास एच मीटर ही होगा, ओके। तो फिर यहां से यहां तक की हाइट क्या होगी, तो इसको आप कंसीडर कर लीजिए, सपोज मैंने इसको एक्स मीटर कंसीडर कर लिया, और जैसे ही हमने एक्स मीटर कंसीडर किया तो आप देखें कि जो क्लाउड है इनर द झील, मींस झील के अंदर, लेक के अंदर जो आप क्लाउड देख पा रहे हैं उसकी हाइट को कहां से देखा जाएगा, मींस एक ये जो आपका सरफेस पॉइंट बी है, लेक का जो ऊपरी सिरा बी, मींस सरफेस ग्राउंड पॉइंट, यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे, यहां से इसको देखेंगे क्लाउड को और यहीं से हम इसको देखेंगे। तो आप समझते हैं कि जब भी कभी आप अपने मतलब कोई भी चीज आप कहीं पे मतलब आप अपने ऊपर स्थित कोई चीज देखते हैं और उसी को यदि आप वाटर वहां पे होता है, मींस कोई पॉन्ड है, तालाब है छोटा, वहां पे देखेंगे तो हाइट हमेशा ग्राउंड से बराबर आती है, ओके। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो यहां पर बीई है ये हमेशा इक्वल होगा बी एफ के, ओके डियर फ्रेंड्स। तो आप देखिए कि एच मीटर तो ये हुआ, अब यहां से पूरे की पूरी हाइट देखें तो क्या आ रही है, एच प्लस एक्स, अगर यहां से मैं इतनी देख रहा हूं, ओके, तो यहां से फिर ये वाली हाइट भी कितनी होगी, एच प्लस एक्स, ओके डियर फ्रेंड्स, मीटर में। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये बीटा एंगल है, ये अल्फा एंगल है, यहां पर क्लाउड था और उसने पहले अबो देखा स्काई में और इसके बाद में उसी को लैग में देखा, ये अल्फा एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हाइट दी गई थी, पैरेलल हाइट एक्स कंसीडर की, और यहां पर जो ये नजर आ रहा है हमें, ये पूरा एक डायग्राम फुलफिल बन गया आपका। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर इंफॉर्मेशन देंगे, क्या इंफॉर्मेशन आएगी, देखिए क्या जो किया आपने वही हमें करना है, यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं ये आपका ए बी है, तो मीन्स लेट ए बी बी द सरफेस ऑफ लैब, ओके, जो ए बी है ये लैब का सरफेस है, जहां पर एंड सी इज अ ऑब्जर्विंग पॉइंट, ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग पॉइंट ऑफ हाइट एच मीटर, ओके डियर फ्रेंड्स। अब आप देख पा रहे हैं कि यदि आपके पास में ए सी एच है तो जो बी डी है वो भी क्या होगा, एच ही होगा। तो यहां पर आप दिखा सकते हैं सी ए इज इक्वल बी डी इज ऑल्सो एच, ओके, एंड अगेन लेट डी ई इज इक्वल एक्स मीटर, देन आपके पास में जो बी ई है, बी ई ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ के, बी एफ के। तो आप देखें कि जो आपका बी ई है या बी एफ ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच मीटर। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई। देखो इसमें इंफॉर्मेशन तो हमें और भी देना है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, ये आपका वर्क होता है, आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, जो डायग्राम में बनाया उसी को आप यहाँ पे पॉइंट कीजिए, ओके। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने की अप्रोच बताता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल इन दिस फिगर, तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना और आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, मींस एक यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन पे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो डियर फ्रेंड्स पहले हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, फिर हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर हम काम कर रहे हैं नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई यहां पे आप एंगल भी दिखा सकते थे, जैसे कि आपके पास में यहां पर डी सी ई, डी
सी ई आपके पास एंगल है अल्फा और आपके पास जो एंगल डी सी एफ है, एंगल डी सी एफ ये आपके पास बीटा है। ओके अब आप देखिए यहां पर जब मैं इस एंगल ट्रायंगल में काम करूंगा तो आप देखिए यहां पर क्या है हमारे पास और परपेंडिकुलर और यहां पर बेस की बात होती तो बेस है नहीं मेरे पास, ना ही हम इसको कंसीडर करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। हाइपोटेनस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि इसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमें। ओके तो हम यहां पर जैसे ही रेशियो लेते हैं टेन थीटा का तो आप जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यू नो वेरी वेल दैट टेन हेयर थीटा इज गिवन अल्फा एंड आवर परपेंडिकुलर इज एक्स। ओके क्योंकि मैं इतने ट्रायंगल में काम कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा मैं इतने ट्रायंगल में काम कर रहा हूँ अभी इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पर जो आपके पास में परपेंडिकुलर है वो क्या है एक्स और जो बेस है आपके पास वो क्या है डियर फ्रेंड्स सी डी। ओके अब आप देखिए यहाँ पर कि यदि मैं टेन अल्फा को कॉट बीटा बनाना चाहूँ या ऐसे ही छोड़ दूँ सी डी, देखो आपस में यदि हम देखें तो सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू AB, क्योंकि AB के पैरेलल आपका CD है तो CD को हटा के क्या मैं AB डाल सकता हूँ, ऑब्वियसली डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने AB रखा तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ tan alpha is equal x upon AB और AB is equal जैसे ही इधर आएगा x upon tan alpha। ओके डिफरेंस इफ वी कंसीडर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंड देन आप क्या करेंगे सेकेंडरी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। अब सेकेंडरी क्वेश्चन हम कैसे बना लें तो अब हम काम करेंगे ट्रायंगल डी सी एफ में। नाउ इन ट्रायंगल डी सी एफ, डी सी एफ और जैसे ही आप डी सी एफ में काम करेंगे आप फिर से देखिए ये एज अ बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ओके तो जैसे ही आप यहां पर tan थीटा फिर से अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस तो tan यहां पर जो आपके पास में एंगल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बीटा, तो यहां पर आप बीटा डालिए और देखें कि परपेंडिकुलर क्या है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि मैं अब काम कर रहा हूं इस ट्रायंगल में यहां से इस वाले में। ओके तो देखें कि यहां से यहां तक की हाइट कितनी h और यहां से यहां तक की हाइट कितनी x plus h, तो आपके पास क्या हुआ x plus h plus h upon b means base का means तो वही AB आपके पास रहा तो ये हमने डाल दिया AB। ओके अब आप देखें कि ये है आपके पास tan beta is equal 2h plus x upon AB और हम ऐसा कर सकते हैं इसको AB is equal 2h plus x upon tan beta। ओके डेसन आप देखें यहां पर कि आपके पास दो ही क्वेश्चन बन रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन the left hand side is AB and the second question the left hand side is AB। okay then if we compare the both equations then I hope we also find the value of h tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha। okay so ab dekho isko hum solve karte hain aage aur dekhte hain from equation first and second और जैसे ही आप क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड लेते हैं तो आप ध्यान दीजिए आपके पास क्या आता है x अपॉन tan अल्फा, x अपॉन tan अल्फा, ओके इज इक्वल 2h प्लस x अपॉन tan बीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स अब आई होप आपको यदि ये नजर ना आए स्क्रीन में तो मैं इसको ऊपर रखने की कोशिश कर दूंगा, इसको मैं रफ कर लेता हूं और आप यहां से देख लीजिए इसको, ऐसे मैं इसको रफ कर दे रहा हूं आप ऊपर देखिएगा। जैसे आपने कंपेयर किया आपके पास आया x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल 2h प्लस x अपॉन tan बीटा। ओके डियर्स अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आपके पास h x tan beta is equal 2h tan alpha plus x tan alpha होता है। ओके अब आप ध्यान दीजिए कि यदि हम x और x के टर्म को वन साइड करें तो आप देखें कि x को वन साइड करके कॉमन भी लेंगे तो ये आपके पास आ रहा होगा tan beta
माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू एच टेन अल्फा। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। ओके, अब आप देखें कि यदि मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो x आपका कुछ इस तरह से होगा 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan। ओके डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए कि आपने जो x कंसीडर किया था ये क्या था, एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऑब्जर्विंग पॉइंट था उसकी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो वहां से जो वर्टिकल यहां पर लेंथ आ रही थी एज अ हाइट वाली, ये वाली चीज आपके पास x थी जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं। और यदि मैं बात करूं द हाइट ऑफ द क्लाउड, तो क्लाउड की हाइट आप कहां से ऑब्जर्व करेंगे, वो तो आपकी ग्राउंड लेवल से ही होगी। और जब आप ग्राउंड लेवल से देखेंगे तो देखो जो आपका x है वो तो ये है, यानी इतनी डिस्टेंस आपके पास आ गई, मींस ये h और हमें इसमें प्लस करना होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इसको भी रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके जरूर देखिएगा, ये ऑलरेडी पहले ही आपने नोट किया होगा आई होप। तो आप देखिए यहां पर फॉर हाइट ऑफ द क्लाउड वी यूज x प्लस एच, तो यहां पर आपने x प्लस एच मीटर रख दिया। और जैसे ही आपने रखा ना तो देखिए कि BE आपके पास क्या है, BE आपके पास यही है, BE इज इक्वल x, x की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 2h प्लस tan अल्फा, सॉरी tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, और h आपका यहां पर प्लस करना होगा। तो जैसे ही मैं प्लस एच करूंगा तो बाई वन होगा, और जैसे ही बाई वन करूंगा तो आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या आ रहा होगा, एलसीएम आएगा, और एलसीएम क्या होगा आपका टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। ओके, अब आप देखेंगे यहां पर आपके पास तो टू एच टैन अल्फा होगा प्लस यहां पर आपके पास क्या रहा होगा, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास एच टैन बीटा होगा माइनस एच टैन अल्फा होगा। ओके, और ये किसके इज इक्वल, बीई के इज इक्वल है। व्हाट इज द बीई, बी इज द हाइट ऑफ द क्लाउड, कहां से द ग्राउंड पॉइंट, ओके जो ग्राउंड है, और द सरफेस ऑफ द लैब। ओके, अब आप देखें कि जो बीई है उसको फाइनली निकालने के लिए 2h tan अल्फा, और यहां पर सिंगल tan अल्फा है, h tan अल्फा है, तो आपके पास यहां क्या आएगा ओनली h tan अल्फा। ओके, यहां पर देखें क्या है h tan बीटा अपॉन आपके पास यहां आ रहा है tan बीटा माइनस tan अल्फा, और जैसे ही आप BE इज इक्वल h न्यूमिनेटर से कॉमन करते हैं आपके पास आता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। और यही आपको प्रूफ करके लाना था कि जो ग्राउंड से, या मैं इसको ऐसे रख देता हूं, मीन्स यहां पर दिखा देता हूं आपको, यहां पर देख लीजिए BE इज इक्वल एच कॉमन टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। ओके, और जैसे ही आप ये दिखाते हैं यहां पर आते हैं तो आप पाते हैं कि यही हमारे क्वेश्चन का प्रूविंग था, मीन्स हमें यही लाना था कि जो सरफेस ऑफ द लैक है वहां से जो क्लाउड है उसकी टोटल हाइट होनी चाहिए h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप देखिए कि यहां पर कॉन्सेप्ट क्या चेंज करता है, कि सपोज कभी आपको दिया जाएगा कि कोई बैलून है, यहां पर क्लाउड ना देके बैलून दे दे और आपसे कह दे कि इसकी हाइट बताइए। अगर कोई पर्सन है जो लैक से h मीटर हाइट पर या 10 मीटर हाइट पर ओके स्टैंड होता है और वहां से वो एक किसी बैलून को ऑब्जर्व करता है या किसी काइट को ऑब्जर्व करता है, तो वहां से उसका एंगल 30 डिग्री होता है। लेकिन यदि आप देखें कि जो लैक है वो लैक भी वही होती है, तो उस लैक पे यदि उस काइट या बैलून को देखा जाता है तो एंगल कुछ दूसरा मानते हैं। सपोज डिप्रेशन एंगल हम यदि यहाँ पे 30 था तो यहाँ पे 60 ऑब्जर्व कर लेते हैं और 45, देन यहाँ पर
अगर हम इस काइट की हाइट या बैलून की हाइट द सरफेस ऑफ द लैग से फाइंड करेंगे तो वहां पे भी जो आपका आंसर होगा वो इन्हीं पे डिपेंड होगा। तो मींस यहां पर आपको क्या याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि ऐसे डायग्राम में जब ऐसे सिचुएशन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप h को मल्टीप्लाई में रखेंगे और फिर आपको केवल एंगल्स पे काम करना है, मींस एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे वैल्यू रखो और आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रूविंग क्वेश्चन था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका एक सिंगल क्वेश्चन का ही है और इससे आगे के जो लेक्चर आएंगे अब मैं वो सभी लेक्चर्स यहाँ पर आपकी बुक आरडी शर्मा से लूंगा और एक एक क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मन से और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।